राजनीति में कब गड़े मुर्दे काम आ जाएं ये कोई नहीं जानता। कांग्रेस के कुछ नेता और प्रवक्ताओं ने भी अब अपने काम का एक गड़ा मुर्दा खोद निकाला है। उन्हें अचानक मंत्री पद के लिए योग्यता याद आने लगी है और सवाल पूछ रहे हैं कि भला 12वीं पास स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्री बनाने का क्या तुक है। ये बात और है कि स्मृति ईरानी की पढ़ाई पर सवाल के जवाब में उनसे उमा भारती ने सोनिया गांधी की पढ़ाई के बारे में पूछना शुरू कर दिया है और खुद कांग्रेस के कई नेताओं को ये बेतुका लग रहा है कि किसी की योग्यता परखने के लिए उसकी डिग्री देखी जाए। अब ये बीच बहस का मुद्दा है कि क्या स्मृति ईरानी की पढ़ाई पर सवाल वाजिब है, क्या डिग्री ही योग्यता का पैमाना है। ईरानी की पढ़ाई पर सवाल वाजिब है, क्या डिग्री ही योग्यता का पैमाना है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए 24 घंटे भी नहीं बीते कि उनकी कैबिनेट पर सवाल उठने का सिलसिला शुरू हो गया। मोदी कैबिनेट पर पूरे देश की नजरें थीं। जैसे ही विभागों का बंटवारा हुआ, सोशल मीडिया से लेकर विरोधियों के निशाने पर आ गईं मोदी की मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी। मानव संसाधन विकास मंत्री की हैसियत से स्मृति ईरानी को देश में उच्च शिक्षा की दशा दिशा तय करने की जिम्मेदारी मिल गई, लेकिन विरोधियों के गले ये बात नहीं उतरी कि सिर्फ 12वीं पास स्मृति ईरानी क्या इस मंत्रालय के योग्य हैं। मोदी की क्या कैबिनेट है? मानव संसाधन विकास मंत्री शिक्षा की जिम्मेदारी वाली स्मृति ईरानी स्नातक भी नहीं है। स्मृति ईरानी जिन्होंने कॉलेज में दाखिला लेने के बाद ग्रेजुएशन करना भी अपनी प्रायोरिटीज में शामिल नहीं किया, जिनको एजुकेशन को हासिल करना जिनकी प्रायोरिटी शायद नहीं रही, वो आज एजुकेशन मिनिस्टर पूरे देश की बनेंगी, तो इस तरह की बातें तो होंगी। स्मृति ईरानी जी के एजुकेशन को लेकर 10 तरह के बवाल चल रहे हैं, आपका मानना क्या है? ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है। अब उनको डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से बेहतर स्मृति ईरानी लगी है तो ठीक है, उनका अधिकार है। अब सवाल उठे तो जवाब देने के लिए बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती सामने आई। सोनिया गांधी जिन्होंने यूपीए की सरकार चलाई हो, उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं? पहले कांग्रेस के लोग उनका सर्टिफिकेट दिखाएं कि वो कितनी पढ़ी, कहाँ पढ़ी, किस प्रकार से पढ़ी, पढ़ाई का प्रकार क्या था, इसके बाद वो स्मृति ईरानी के बारे में सवाल कर पाएंगे। स्मृति ईरानी की योग्यता पर सवाल अगर कांग्रेस की तरफ से उठाए गए तो उन्हें सहारा भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेताओं से ही मिला। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन इंटेलिजेंस एंड लिटरेसी एंड बिफोर वी आर्टिकुलेट सच फॉर्मुलेशंस आई थिंक वी शुड कीप दैट डिस्टिंक्शन इन माइंड एंड therefore, इफ at all, यू नो वी नीड टू क्रिटिसाइज दिस गवर्नमेंट इट शुड बी ऑन सब्सटेंस rather than superficiality. आई थिंक इट इज हाईली अनफेयर टू सजेस्ट दैट जस्ट बिकॉज मिसेस स्मृति ईरानी इज नॉट अ ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट दैट शी इज अनसुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। सवाल सिर्फ स्मृति ईरानी के नाम पर ही नहीं उठ रहे, सोशल मीडिया पर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मोदी कैबिनेट में लोकसभा चुनाव हारने वालों को तरजीह क्यों दी गई? शपथ लेती हूँ उबिन ईरानी, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मोदी कैबिनेट में अरुण जेटली को वित्त और रक्षा जैसे अहम मंत्रालय मिले हैं, जबकि वो अमृतसर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। स्मृति ईरानी भी 2 बार लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद कैबिनेट में है। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अब लोग बीजेपी को याद दिला रहे हैं कि वो मनमोहन सिंह पर यही तो ताना मारती थी कि जिसका अपना कोई जनाधार नहीं वो कैसे सरकार चला सकता है। मित्रों, देश के सामने अब 3 स्थिति है। एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऐसे सवालों से मोदी सरकार को बेशक कोई परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन निजी तौर पर स्मृति ईरानी के लिए आने वाले दिन कड़े इम्तिहान के ही होंगे। उनके हर फैसले की इसी आधार पर नुक्ताचीनी होगी कि वो देश के इतिहास में सबसे कम पढ़ी लिखी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या
डिग्री ही है योग्यता का पैमाना। इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी, टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बीजेपी के नेता संजय कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन अमृता धवर हमारे साथ मौजूद हैं। अमृता, पहला सवाल आपसे ही, क्या डिग्री ही योग्यता का पैमाना है? देखिए, सबसे पहले तो चित्रा मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने डिबेट की शुरुआत की, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ये सवाल इतना हल्का नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। बात सिर्फ डिग्री की या क्वालिफिकेशन की नहीं है, बात यह है कि देश का जो पाठ्यक्रम है उसको तय करने वाला जो शिक्षा मंत्रालय होता है, उसकी शिक्षा मंत्री ने अपने ही तथ्यों के साथ छेड़खानी की है। एक एजुकेशन मिनिस्टर ये नहीं जानता देश का कि उसकी खुद की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है। एक एफिडेविट पे वो ये लिखते हैं कि उन्होंने बीए किया है और दूसरे चुनाव के एफिडेविट में लिखते हैं कि उन्होंने बीकॉम किया है। तो दूसरों पर सवाल उठाने वाले पहले खुद अपने गिरबान में जाकर देश को जवाब दें, क्योंकि शिक्षा का पद आजादी के बाद भी बहुत खास दौर इस पर दिया गया था। सबसे पहले इस देश के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, तो आप समझ सकते हैं शिक्षा कलाम आजाद इस देश के युवाओं की एस्पिरेशन, इस देश के स्टूडेंट्स और छात्राओं की एस्पिरेशंस जो है जी, तो ये जो एस्पिरेशंस है उनको कहीं ना कहीं वो उन आकांक्षाओं को दिखाता है। लेकिन एक शिक्षा मंत्री जो ये बेहतरीन तरीके से जानता ही नहीं है कि उसकी खुद की एजुकेशन क्या है, वो क्या दूसरों को और इस देश की शिक्षा नीतियों को तय करेगा? चलिए, इसका जवाब हम बीजेपी से लेते हैं। आईआईटी आईएम्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चेयर करता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो है गौर करता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी खुद की जानकारी कितनी है। ऐसे में मैं ये भी कहना चाहूंगी, ऐसे बहुत सारे और भी मंत्री हैं मोदी सरकार जी के कैबिनेट में जो अंडर ग्रेजुएट है, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन इन पर इसलिए सवाल उठाया गया है क्योंकि इन्होंने तथ्यों के साथ छेड़खानी की है। संजय कौल जी, इस बात का जवाब दीजिए, तथ्यों के साथ छेड़खानी उन्होंने की है, और साथ ही क्या 12वीं पास स्मृति ईरानी ही आपको मिली थी, जो सवाल कांग्रेस की ओर से बार बार खड़ा किया जा रहा है शिक्षा मंत्री के लिए? देखिए, कांग्रेस की बातों का मैं जवाब तो खैर नहीं देने आया हूं, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मुद्दे को इस तौर से देखिए जी कि क्वालिफिकेशन तब मैटर करती है जब आपके एप्लीकेशन में उनकी कोई रेलेवेंस होती है। अगर स्मृति जी प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर रही होती आपको जवाब तो और उनके पढ़ने या उनके बैकग्राउंड में कोई अंतर होता तो समझ में आती नहीं। अरे यार, बीच में तो बात फिर भी कमाल है, मुश्किल हो जाती है। कौन बीच में बोल रहा है जनाब, मैं जवाब कैसे दूं? इतना बता दीजिए कि एक एफिडेविट पे बीए लिखना और दूसरे एफिडेविट पे बीकॉम लिखना, आप ये बता दीजिए। अरे आप हैं कौन? अमृता धवन है, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। संजय कौल जी, ये काम दे दिया है आप मेरे आप अरे तो आप मेरे तो बारे बोलिए ना, आपको इंटरव्यू करने का मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। आप इस देश की जनता को, आप आवाज जो निकली है इस देश की जनता से, उसका जवाब दीजिए। अरे आप सवाल पूछना तो बंद कीजिए, आपको तो ये दायित्व है ही नहीं। मैं आप एंकर ने मुझे सवाल पूछा, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, आप काहे को बीच में आ रही हैं? मैं आपसे चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप जवाब दीजिए। आपका जवाब देता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि अगर स्मृति जी ने प्रोफेसरशिप के लिए, आप हैं कौन? अच्छा जी, आप बता दीजिए कि आप कौन हैं? भाई आप एंकर जरा आप संभालेंगे इसको या? अच्छा अमृता, एक बार जवाब हम ले लेते हैं, लेकिन संजय कौल जी, विपक्ष की ओर से अगर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसका जवाब तो आपको देना ही होगा ना। आप सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है जी। बिल्कुल, आप अपना जवाब दीजिए, अमृता सुनेंगी, बताइए। हाँ, ये बड़ा अच्छा किया आपने। तो मेरा यह कहना था कि यदि स्मृति जी प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर रही थी जी, तो आपके सारे के सारे जो आपने तथ्य प्रेजेंट किए, या कि उनको 12वीं पास है कि नहीं है, वो ग्रेजुएट है अंडर ग्रेजुएट है, ये समझ में आती है। लेकिन ये आप उस देश की बात कर रहे हैं जो आजादी के बाद, जहां पर लिटरेसी लेवल इतनी कम थी कि कांग्रेस के आधे से ज्यादा मंत्री खुद भी अनपढ़ हुआ करते थे लेकिन पॉलिसी बनाते थे। तो आप मुझे आज सडनली बता रहे हैं कि मंत्री बनने के लिए 12वीं पास होना आवश्यक है? ये तो मुझे बड़ी अटपटी बात लग रही है, तो ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं। बता दीजिए, और अगर यही सवाल पूछा जा रहा है, उमा जी ने भी एक सवाल पूछा, उसका भी जवाब देना चाहिए। के साथ छेड़खानी करके शिक्षा मंत्रालय का पद संभाला है, आप ये बता दीजिए ना जवाब। ये आपका एलिगेशन है, ये सस्टेनेबल नहीं है, और इसका कोई जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे।
आपने सवाल पूछा कि बारहवीं में एंकर साहिबा आपने पूछा कि बारहवीं पास को एचआरडी मिनिस्टर बनना चाहिए नहीं, उसका मैंने आपको जवाब दिया। अगर मेरे जवाब में आपको कमी लग रही है दोबारा जवाब तो देना ही पड़ेगा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि शिक्षा मंत्रालय के अंदर जो शिक्षा मंत्री आपने बनाई है स्मृति ईरानी, उन्होंने दो अलग अलग एफिडेविट पेश की है। एक एफिडेविट में वो लिखती है कि वो ग्रेजुएट है और दूसरे एफिडेविट में लिखती है सिर्फ फर्स्ट ईयर पास किया है। तो ये तथ्यों के साथ छेड़खानी एक मंत्री होने के नाते उनकी जवाबदेही और बीजेपी की जवाबदेही या सरकार की जवाबदेही क्यों नहीं बनती अमृता? लेकिन एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, उसके बाद मैं एनके सिंह जी के पास आऊंगी। सवाल ये भी है कि आपके खुद के कांग्रेस पार्टी के नेताओं में इसको लेकर मतभेद है। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि इस तरह के सवाल हमें खड़े नहीं करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हो सकता है उनको स्मृति ईरानी मुरली मनोहर जोशी से ज्यादा योग्य लगी हो, और प्रधानमंत्री का तो विशेषाधिकार होता है ना कि वो इस पद पर किसको नियुक्त करे। 282 सीटें मिली हैं बीजेपी को, गठबंधन को 336 सीटें, तो आपको उसका सम्मान भी तो करना चाहिए ना। मेजोरिटी मिलने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि उनसे सवाल करना बंद कर दिए जाएंगे इस देश के अंदर और वो जवाब देना बंद कर देंगे। बहुत साफ सी बात है कि हम बारहवीं पास या क्वालिफिकेशन कितनी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है इस पे जवाब नहीं ले रहे। हम आपसे कह रहे हैं कि आपके मोदी जी के कैबिनेट में ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं। हमने किसी पर सवाल नहीं उठाया। हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन जो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, आप उनको जो है सर्वप्रिय नहीं मानते, उनके सामने आप गलत तथ्य रखते हैं, तो इसका जवाब तो एक मंत्री को देना ही। मुझे लगता है इसका जवाब स्मृति ईरानी ही बेहतर तरीके से शायद दे पाए। लेकिन एनके सिंह जी, बड़ा सवाल यह है कांग्रेस पार्टी की ओर से जो गड़े मुर्दे निकालने की कोशिश की गई है स्मृति ईरानी, हमें थोड़ा उनके रिपोर्ट कार्ड का इंतजार कर लेना चाहिए था कि शिक्षा के क्षेत्र में वो काम कैसा करते हैं, या आपको लगता है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो जायज है? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक तो अव्वल अभी काफी वक्त देना चाहिए था। अभी अभी हारी है, अपनी गलतियों से हारी है जी, तो अभी उसको अपने को ठीक करने की जरूरत थी बजाय ये बताने के लिए कि इसमें राजनीति की क्वालिफिकेशन क्या है। और जो स्टेटमेंट दिया था वो क्वालिफिकेशन को लेकर अजय माकन ने दिया था। बिल्कुल, अगर ये क्राइटेरिया रहेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह डॉक्टर अम्बेडकर को होना चाहिए था भारत का प्रधानमंत्री, और एचजी मुद्गल को करप्शन में निकाला गया जो कि उस पार्लियामेंट के 1950 के पार्लियामेंट के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन उनको करप्शन में पंडित नेहरू ने निकाल दिया। तो एक तो ये गलत है कि मतलब ये क्वालिफिकेशन वाला मुद्दा उठाएं। कम से कम कांग्रेस को अभी तो अपने को रियलाइज करना चाहिए कि गलती कहां हुई है। बिल्कुल, तो एक तो फंडामेंटल फ्लॉ यह है कि इतने हल्के आरोप लगाने का, लेकिन जो आरोप है अगर वो लगा सकती थी तो इस बात का जरूर है कि स्मृति ईरानी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना हमारे यहां भारत के संविधान में आर्टिकल 75 में कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। एक व्यक्ति जो कि फिल्म वर्ल्ड का है, पब्लिक लाइफ उसकी बहुत थोड़ी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसकी जानकारी बहुत कम है, कैबिनेट मिनिस्टर बना देना और ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी के डॉक्ट्रिन में मान लीजिए वो कहीं कोई गलती कर दे पार्लियामेंट में जवाब देते में, तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए अनटेनेबल पोजीशन हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको अगर कांग्रेस को कहना था तो वो ये कह सकती थी कि भाई जिसका इतना कम एक्सपीरियंस हो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, पब्लिक लाइफ का, और ये भी उस पद पे, ये बात सही है कि उस पद पे वाइस चांसलर या बड़े विद्वान लोग रहे हैं, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद से लेके कालू लाल श्रीमाली रहे हैं, हुमायूं कबीर रहे हैं, इस टॉप लोग हैं कंट्री के जो रहे हैं। ऐसे में उस पद पे मेरे ख्याल से कैबिनेट में कोई बहुत बड़ा चेहरा लाना चाहिए था ताकि एजुकेशन के लिए एक मैसेज जाए, तो वो एक काउंटर हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्मृति ईरानी के क्वालिफिकेशन को लेकर कांग्रेस इतना छोटा आरोप लगाए। अगर कांग्रेस का 128 साल पुरानी पार्टी का स्तर इतना नीचे आ गया है तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने को एक बार सोचना पड़ेगा और रियलाइज करना पड़ेगा कि एलिगेशन भी लगाए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो एलिगेशन का स्तर अच्छा हो, वरना पब्लिक से बहुत बुरी तरह रिजेक्ट कर देगी। बिल्कुल, और कांग्रेस नेता माखनलाल फोतेदार का बयान भी आया है, उन्होंने कहा है ये मुद्दा अभी नहीं उठाना चाहिए था। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अमृता, और उन्होंने कहा है कि पीएम का विशेषाधिकार होता है और कम से कम अभी कांग्रेस पार्टी को इस तरह के मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। देखिए, अभी जो चर्चा की हमारे जो बैठे थे प्रवक्ता हैं उससे पहले उन्होंने कहा कि अनुभव की बात करनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने कहा कि ये बात करनी चाहिए कि जितने प्रवक्ता नहीं हूँ मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ और सीनियर एडिटर हूँ। तो आप नहीं, मैं आप ही से इस बात की चर्चा कर रही हूँ। जी 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 जी
मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक पीएम का प्रेरोगेटिव है कि वो अपने कैबिनेट में किसको कौन सा दर्जा देता है, लेकिन दूसरी तरफ ये तथ्य है कि एक कैबिनेट रैंक का मंत्री जो इस देश का शिक्षा मंत्री है वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेके कंफ्यूज है और उन फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर। जी अमृता, चलिए उसको हम उसका जवाब शायद स्मृति ईरानी ज्यादा बेहतर दे सकती हैं, वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है कि उनकी योग्यता को लेकर बार बार जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आप अगर उनके हिस्ट्री को थोड़ा उठाकर देखें तो कम से कम 14-15 अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उनके साथ जुड़ी रही हैं। कम से कम उनकी योग्यता को कांग्रेस पार्टी अनदेखा अगर नहीं करती तो भी बेहतर रहता। राजनीति में वो भले नहीं हो सकते हैं, हालांकि 2003 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। एक जवाब मैं बीजेपी के नेता से ले लेती हूँ। योग्यता भी बता दीजिए क्या है, आप अपना सवाल दोहराएंगी प्लीज। नहीं सॉरी अमृता, एक जवाब मैं बीजेपी के नेता से ले लेती हूँ। योग्यता भी बता दीजिए क्या है, आप अपना सवाल दोहराएंगी प्लीज। नहीं सॉरी अमृता, नहीं मैं आपने योग्यता की बात की है तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि सिर्फ एक बेहतर इंग्लिश बोलना, बेहतर हिंदी बोल देना, ये शिक्षा का जो स्तर है उसके एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसा कैसा योगदान है? आपकी तो बात बिल्कुल सही है, पीएम के लेकिन अमृता इस बात को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा का जो गिरता स्तर है कांग्रेस पार्टी भी उसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है। आप लोगों के बहुत सारे नेता बहुत ज्यादा समय तक मंत्री पद संभालते रहे हैं। सकते हैं कि शिक्षा का स्तर है हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन 10 सालों में बढ़ा है। चलिए संजय कौल जी, बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं, एक बार उसे जवाब ले लेती हूँ फिर मैं आपके पास आती हूँ। संजय कौल जी, लेकिन यहाँ पर एनके सिंह ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे कि कम से कम जो मंत्रालय उनको दिया गया है वहाँ पर किसी वरिष्ठ और अनुभवी नेता को लाया जाना चाहिए था ताकि शिक्षा के क्षेत्र में वो बेहतर काम कर सके। और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे यहाँ आर्टिकल 75 में है जी, उसकी वजह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कैबिनेट रैंक काफी सीनियर लोगों को दिया जाता है ताकि वो जब पार्लियामेंट को फेस करें, हाउस ऑफ पीपल्स को फेस करें, तो ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई भी गलती चूक हो जाती है तो पूरे कैबिनेट के लिए बहुत ही असमंजस की स्थिति हो जाती है। इसलिए एक सीनियर आदमी को लाना चाहिए था जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जानता हो, सिर्फ इतना ही मुझे कहना है। संजय कौल जी, मेरा मैं आपकी बात से कुछ हद तक इस तरह इसलिए सहमत हूं कि आपके कंसर्न्स जेन्युइन हैं, जी मगर मैं उनको इसलिए खारिज करता हूं कि अगर आप सिर्फ सीनियर लोग को लाएंगे तो आपको ये इस तरह का कैबिनेट जो जवान नया कैबिनेट नहीं मिलने वाला है। और अगर बार बार आप तजुर्बा ही मांगेंगे हर समय तो आपको 80-90-100 साल पुराने लोग ही मिलेंगे, उनको ज्यादा तजुर्बा होता है। तो एक तो ये कैबिनेट बना सकते हो जो डॉक्ट्रिन ऑफ ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड मुझे खत्म कर लेने दीजिए। अगर ये डॉक्ट्रिन जिसकी आप बात कर रहे हैं ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की है तो आप इसमें शंका क्यों कर रहे हैं? जाहिर है आप जो कह रहे होगा अगर ऐसा हुआ तो एंबैरेसमेंट होगी, मगर वो तो आगे की बात है। आप किसी पे अभी से क्यों इतना शक कर रहे हैं? उसकी कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है, ये वैसी छूट पर लॉजिकली थोड़ा बेटर रहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। हां तो नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके इंटेंशन को सही मानता हूं, लेकिन मेरा मतलब कहने का है स्मृति ईरानी इज अ हाईली केपेबल पर्सन और आप भी जानते हैं उनकी कैपेसिटी। और सबसे पहली बात यह है कि कभी किसी जवान, किसी छोटे या किसी डायनामिक पर्सन को अगर चांस मिलता है तो हम लोगों को उसकी सराहना करनी चाहिए। और मुझे और भी दुख उस बात का होता है, एक महिला होते हुए, एक यंग नई महिला एक ऐसी इंपॉर्टेंट पोजिशन पर दी जा रही है, और सबसे ज्यादा दुख एक महिला को हो रहा है, और खासतौर से जबकि उसके सीनियर लीडरशिप खुद कह रही है कि इसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस बाकी है, कांग्रेस के सीनियर लीडर सब कांग्रेस ये मान रहे हैं कि ये गलत हुआ है और ये स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए था। प्लेटफॉर्म है उसको चेंज मत कीजिए, आप डिबेट के प्लेटफॉर्म को चेंज मत कीजिए, आप उसी जवाब पे आइए जो मैं आपसे मांग रही हूँ कि एक शिक्षा मंत्री जो इस देश का है आप प्लेटफॉर्म ये नहीं है तो मेरा जो है सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसका जवाब मैं चाहूंगी कांग्रेस पार्टी सीधे पार्लियामेंट के अंदर ही मांगे। एक तरफ लिखता है, दूसरी तरफ जी बिल्कुल कि आखिर उन्होंने इस तरह से बीए और बीकॉम की बात पार्लियामेंट के अंदर क्यों? शिक्षा मंत्री अभी बनी है, बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है, आप बताइए अमृता। लेकिन सवाल ये भी है ना, हम बात करते हैं कि जो पिछड़े तबके के लोग हैं, गरीब हैं या फिर महिलाएं हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए। थोड़ा मैं अलग हटकर सवाल करती हूँ, मैकडॉनल्ड में झाड़ू पोछा करने का काम स्मृति ईरानी एक वक्त में किया करती थी, उनके पास पैसे नहीं थे, परिवार में उनकी बहुत सारी दिक्कतें थी जिसकी वजह से वो सिर्फ 12 तक की पढ़ाई कर पाई। एक इंटरव्यू के दौरान उनकी ओर से ये बातें कही गई थी, तो कम से कम इसकी भी तो आप लोगों को सराहना करनी चाहिए थी ना। निचले तबके से आकर अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनता है जी, चित्रा जी
चित्रा जी, मैंने डिबेट की शुरुआत में ही कहा कि मोदी जी के मंत्रालय जितने भी हैं उनमें आधा दर्जन जो लोग हैं, 6 से 7-8 लोग मेरे जो जानने में आया अंडर ग्रेजुएट हैं। क्या हमने किसी के ऊपर सवाल उठाया? हमने किसी के बैकग्राउंड के ऊपर सवाल उठाया? हमने कहा कि कौन किस तबके से आया है? हमने कभी ऐसी बात नहीं की। तो इस डिबेट को गलत तरीके से ना दर्शाया जाए। गलत तरीके की बात नहीं है अमृता, बात यह है कि आपके खुद की कांग्रेस पार्टी है, इस पर बटी हुई है और इसी पर मैं आपसे सवाल भी पूछ रही थी। आप संभाल रही है, वक्त की कमी है, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे। इनके पास कोई अनुभव नहीं है। बहुत बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस को पहले तो अभी कम से कम 2-3-4 महीना अपने को रिव्यू करने की जरूरत है, और अगर अपने को रिव्यू करें तो कहां कहां गलतियां हुई हैं उसको देखना, क्योंकि सडनली अगर आप देखें तो 28% से वोट ड्रॉप होके 19% पे आ गया है। एक सीरियस मकाम है 128 साल की पार्टी के लिए, तो पहले वो रिमूव करें वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि माइनर इश्यूज, ठीक है एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में ये होता है, लेकिन इतने माइनस हल्के इश्यूज अगर वो चाहे तो मुझे गलत हो जाए। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन कम से कम योग्यता अगर पैमाना बने तो वो ज्यादा बेहतर।